यार क्या होना है, घर के काम ही खत्म नहीं होते। एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू। अभी उनके लिए खाना बना रही हूँ। हाँ, ऑफिस से आने वाले ना, इसलिए। अच्छा मुझे छोड़ो, तुम सुनाओ क्या हो रहा है। यार मैं क्या बताऊँ, मेरा तो आज बहुत ही बुरा दिन गुजर रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो मेरे हस्बैंड है ना, वो आज गुस्से में घर छोड़ के चले गए। क्या, पर क्यों? वो सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मैं इतनी बिजी थी कि मुझसे गलती से इनका पराठा ही जल गया, जिस पर उनको बहुत गुस्सा आया। मैं भी क्या करूँ यार, घर में इतने काम होते हैं, बस होगी गलती। चलो तुम टेंशन ना लो, हो जाता है ऐसा कभी कभार। मैं तो बहुत अपसेट हूँ, बहुत परेशान हूँ। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा नीली, अब मैं फोन रखती हूँ। चलो तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। बेचारी। Very nice, thank you. मैं हर रोज जॉब पर जाता हूँ क्योंकि एंड ऑफ द मंथ पैसे मिलते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जॉब भी है जिसकी पे ही नहीं। वो जॉब है हाउसवाइफ की। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बीवियां सब वो जॉब करती हैं विदाउट अ सिंगल पेनी। कोई पैसे नहीं मिलते, थक जाती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। प्लस नो वन इज परफेक्ट, हम सबसे हर रोज कोई ना कोई गलती तो जरूर होती है। खाने में नमक ज्यादा था, सच बोलो तो काफी ज्यादा था, लेकिन उसे खाने से मुझे कुछ खास तकलीफ नहीं हुई। हाँ तकलीफ होती उसे अगर मैं खाना ना खाता, उसे बुरा भला कह देता या फिर उसे डांट देता। छोटी मोटी बातों पे तो रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सब भाइयों से कि अगर आपकी वाइफ खाना बनाए और कुछ खास मजे का ना हो, चुप करके खा लेना।